Take a look at this, the beast beauty outside, the beast inside. लोग ध्यान से देखते हुए कि ये प्राणी कौन है जो खड़े होकर स्कूटी चला रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अनदर वीक एंड अनदर वीडियो, पर ये वाली वीडियो कुछ लेट आ रही है क्योंकि मैं गया हुआ था कहीं पे। एज यू कैन सी आई एम इन मंडी डिस्ट्रिक्ट और अभी हूँ मैं बल एरिया में। तो या आज जा रहा हूँ मैं अपने घर वापस, मतलब कुल्लू। एंड पिछली बार जब आया था तो बहुत ज़्यादा बारिश थी तो उस टाइम पे शूट नहीं कर पाया। अभी चलते हैं यहाँ से कुल्लू की ओर एंड बाकी की बातें करते हैं मोटो व्लॉग में। तो गाइस, ये जो अभी जहाँ पे मैं हूँ ये है नया वाला 4 लेन, दूसरी साइड से पुराना रोड है नेशनल हाईवे और ये है जो नया 4 लेन बन रहा है। एंड या रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी, अभी तो काफ़ी मतलब स्टेबल हो चुकी है मिट्टी। पर जिस दिन मैं अभी आया था ना लास्ट वीक, तो यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ था पूरे हाल से क्योंकि बारिश हो रही थी। एंड आई वॉज टोटली वेट, कपड़े वगैरह सब भीगे हो चुके थे विंड शीटर पहनने के बाद भी। बट या लोग ध्यान से देखते हुए कि ये प्राणी कौन है जो खड़े होकर स्कूटी चला रहा है, वो भी कीचड़ में। मंडी बाजार ने मारी एंट्री और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे, टूरिस्ट सीज़न और उसी के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बट ट्रैफिक के साथ पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आज शायद कोई आ रहा है तो ट्रैफिक भी फिर ज़्यादा ही है। पुलिस वाले हर 100 मीटर बाद पुलिस वाला खड़ा हुआ है, तो यार डेफिनेटली कोई ना कोई तो आ रहा है पॉलिटिशियन में। एंड गर्मी एज यूजुअल, गर्मियों का मौसम, पर गर्मी बहुत ज़्यादा, जाम भाई साहब 4 लेन में भी इतना जाम। अब मैं कोशिश करता हूँ कि साइड से निकल जाए, बढ़िया है। यहाँ मैं फंस चुका हूँ। पूरा जाम पता है किस लिए लगा है? बीच में एक गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था तो स्टपनी चेंज करने के लिए बीच रोड में ही गाड़ी लगी थी क्योंकि आसपास इधर उधर भी जगह नहीं थी, तो सेंटर ऑफ द रोड, और उसकी वजह से काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। अप्रॉक्स 3-4 किलोमीटर का लंबा जाम है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रश है इस टाइम पे। वो वहाँ पे दिख रहा है एंड पॉइंट पे, वहाँ तक जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक और बंदे मनते नहीं है ओवरटेक करने से, जैसे कि मैं नहीं मान रहा वैसे ही, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। और एक और बात, सॉरी फॉर द लेट वीडियो, पिछले मतलब इस वीक वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज़ मैं अपने कज़न की शादी में था बिज़ी,
और शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है भाई, हॉर्न मार ले, तू भी मार ले हॉर्न। या तो शादी में बिजी थे, शूट करने का टाइम मिला नहीं। ट्रैफिक क्यों लगी भाई? अरे यार, इन लोगों को बिना बीच रोड में खड़े के फोटो लेने की जरूरत है। फिर लग जाता है जाम ट्रैफिक। हाँ, और मेरे राइट साइड में है पंडो लेक। अभी डैम क्रॉस किया मैंने जस्ट नाउ, तो लेक। बाकी स्कूटी ओवरहीट हो रही है हल्की सी, आई डोंट नो। ऐसे दो के डंडे ही आते थे लेवल पर, अब तीन आ रहे हैं। दैट मीन्स गर्मी इसको भी लग रही है और थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा इसको, क्योंकि कंटिन्यूस फुल थ्रॉटल में चल के, फुल थ्रॉटल भी के एग्रेसिव चल के जब इंजन गर्म होता है तो इट कैन बी डेंजरस फॉर द इंजन, इंजन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो देखते हैं कहीं आगे अच्छी सी जगह देख के लेंगे कहीं ब्रेक। बाकी टाइम अपडेट, इट्स 12, 3 मिनट है वैसे अब 12 बजने को, और एक घंटे में बल से पंडो, और नेक्स्ट 1 आवर आई गेस पंडो से बुजोरा, एंड देन मोर हाफ एन आवर लगेगा, बट इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। और सामने खड़ी है रूबिकॉन जीप रेंगलर रेड कलर की, लुक्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग, हरियाणा नंबर। ये जो ट्रक में पाइप्स है ना, इनको देख के मेरे को फाइनल डेस्टिनेशन की याद आती है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जो मूवी है ना उसके कुछ कुछ सीन्स याद आ जाते हैं ऐसी चीज़ें देख के, जब ट्रैक्टर से मतलब सरिया वगैरह लटका होता है या पाइप वगैरह डाली होती है जब। टाइम अपडेट, इट्स 12:10 और मैं पूरा पसीने से नहा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब चुड़ती हो चुकी है। एंड अभी पहुँचने वाला हूँ मैं हनुगी माता वाले मंदिर के पास। अभी रुका हुआ था मैं ना थोड़ी देर पीछे, पापा का फ़ोन आया हुआ था, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ काम था, तो आई हैड टू स्टॉप एंड सेंड हिम सम फोटोज। पर नाउ बैक ऑन द रूट। पिछले कुछ टाइम में बस एक अच्छी बात हुई है कि जो ये वाला नेशनल हाईवे है मंडी से कुल्लू वाला, इस पर टारमैक बिछ गया, मतलब 80% रोड पे टारमैक हो चुका है, बाकी 20% है बीच बीच में गैप्स जहाँ पे टारमैक होना रहता है अभी। उसकी वजह से मतलब ऐसा है कि काफ़ी स्मूथ हो जाता है ना जो ट्रैवल होता है, वो स्मूथ हो जाता है। डस्ट तो है अभी बहुत, मेरे कपड़े पूरे धूल से भर चुके हैं, हेलमेट, ये तो मैंने मास्क लगाया हुआ है तब थोड़ा इनहेलिंग में ठीक लग रहा है, बाकी अगर मास्क नहीं हो तो मेरी तो आत्मा ही बाहर आ जाएगी। और ये पहुँचे हम हनुगी माता के मंदिर, जय हो।
अभी लास्ट मंथ मैं एक बार पहले भी आया था, उस टाइम पे मेरे को मतलब मंडी से मैं शाम को 5 बजे निकला और रायसेन में रात को 10:30-11 बजे पहुंचा था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, वॉल्वोज वगैरह आती है ना शाम के टाइम पे, उसकी वजह से ट्रैफिक और बाकी टारमैक हो रहा था यहाँ पे, तो बीच बीच में सिंगल लेन कर दिया था तो ज़्यादा ही ट्रैफिक हो गया था कुछ रुपये। टाइम अपडेट, इट्स 12:36 और अभी मारने वाले एंट्री ऑट टनल में, और ये जो सामने रोड जा रहा है ये है आनी वाला रोड, मतलब आनी बाजार जीबी जलोड़ी जोत, फिर इसी वाले रोड से आप वाया आनी होके शिमला या तो रामपुर या तो फिर रोडू कहीं भी जा सकते हैं। शिमला रेकॉम्पियो रोड भी वही नेशनल हाईवे कनेक्ट होता है, मतलब ये रोड वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और जी बहुत ज़्यादा डस्ट टनल के अंदर। जीप रूबिकॉन जो पीछे खड़ी हुई थी ना मोड़ पे, एक बार अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, वही वाली अब मेरे आगे है, क्योंकि टनल में जब मैं था अंदर तो मेरे को गॉगल निकालना पड़ गई थी क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, डस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो उस टाइम पे आगे निकल गई। बट या ब्यूटी विद द बीस्ट इनसाइड द हुड। टाइम अपडेट, इट्स 1 PM और मैं अभी अभी पचौरा में एंटर हुआ, तो जो मेरा एस्टिमेटेड टाइम था, प्रेडिक्टेड टाइम था, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। यहाँ से अप्रॉक्स कितना आधा घंटा लगेगा कुल्लू पहुँचने को, अगर मैं बताता हूँ तो, अगर मैं स्लो चलूँगा तो अप्रॉक्स 45 to 50 मिनट्स लग सकते हैं। इंजन हो गया है ओवरहीट और मेरे को रुकना पड़ेगा कहीं पे अभी। मैं दुकान देख रहा था, एक आधी दुकान मिल जाती तो बैठने के लिए ठीक हो जाता है ना। बाकी आई नीड अ रेड बुल नाउ, मॉन्स्टर एनर्जी मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा, पर आई डाउट अबाउट मॉन्स्टर बिकॉज वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। वेलकम टू कुल्लू, टाइम अपडेट, इट्स 1:20 और मेरे को बहुत ही गंदी नींद आ रही है इस टाइम पे, बोर हो गया हूँ अब, और रेडबुल कहीं भी नहीं मिली। ये सामने कुल्लू कॉलेज ढालपुर, पर फोर लेन होने वाला काम हो जाता है यार, एक ही रोड पे कंटिन्यू चलते चलते काइंड ऑफ बोरिंग, और वो अकेले हों तो और ज़्यादा बोर हो जाते हैं। चीयर्स। टाइम अपडेट गाइस, इट्स 7 PM और या कुल्लू के बाद शूट करना मुझसे हो नहीं पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद लगी हुई थी मेरे को, मतलब लिटरली मेरी आंखें बंद हो रही थी, तो मैं डायरेक्ट घर गया, हैड बाथ, टुक अ नैप। एंड वैसे ही मेरे को फ़ोन आता है मेरे दोस्तों का, एंड अल्पाइन जंकीज आर हेयर, टेक अ लुक, भरत, मी, ईशान भाई, शिवम भाई, मोहित भाई, नितेश भाई, एंड टेक अ लुक एट दिस द बीस्ट ब्यूटी आउटसाइड द बीस्ट इनसाइड। तो या ऐसा था कुछ सीन, तो अभी मतलब राइड वगैरह तो नहीं कर रहे, यहाँ पे थोड़ा ट्रैक का प्रोजेक्ट था तो वो उसको कर रहे हैं। लेट मी शो यू गाइज कि क्या प्रोग्रेस है, तिल ये मतलब हो ही जाएगा, दो
एक मतलब आज ही कंप्लीट हो जाना था पर बंदे थक चुके हैं तो ये निकाल रहे ट्रैक से, ये भी और वो वाला पत्थर भी। तो अभी बस घर निकलने की तैयारी। अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो, और करो चैनल को सब्सक्राइब, शिट मैंने क्या बोला, चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो और करो वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।